एक अंधा आदमी पियानो बजाने के लिए किसी के घर जाता है, क्या ही गलत हो सकता है उसके साथ यहाँ? वेल, लेट मी टेल यू दैट यू आर नॉट रेडी फॉर व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और ये मूवी एक स्वीट से हैपनिंग वाइब से तुरंत एक थ्रिलर और सस्पेंस भरी वाइब कब ले लेती है, ये जानने के लिए इस मूवी एक्सप्लेनेशन को जरूर देखें, जिसका नाम है अंधाधुन, आपके और हमारे पेरिस चैनल मूवी हाउस पे। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक आदमी से जो अपने खेत को खराब कर रहे खरगोशों का शिकार कर रहा था, और वो खरगोश भागते भागते एक हाईवे के किनारे पहुंच जाता है और वो आदमी उस पर गोली चला देता है, जिसके बाद एक गाड़ी के एक्सीडेंट की आवाज़ आती है। नाउ लेट अस गो सम टाइम्स बैक, और हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर आकाश से, जो एक फाइन पियानो आर्टिस्ट है और अंधा है, पर वो अंधे होने को अपना स्ट्रेंथ मानता था और उसका सोचना था कि अंधा होने का एक फ़ायदा भी है, और वो है फोकस का तेज़ हो जाना, जिसकी उसे एज एन आर्टिस्ट काफ़ी ज़रूरत थी। आकाश बच्चों को पियानो ट्यूशंस देकर अपना खर्च चलाता था और उसका ड्रीम था लंदन जाकर बड़े हॉल में परफॉर्म करना। दूसरी ओर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एक एक्टर प्रमोद सिन्हा और उनकी वाइफ सिमी से, और इन दोनों का कहानी में सिग्निफिकेंस हमें आगे पता चलेगा। तो एक दिन आकाश रोड पार कर रहा था, तभी उसे एक लड़की सोफ़ी अपनी स्कूटी से ठोक देती है, और कंपनसेट करने के लिए वो आकाश को ट्रीट देने के लिए ले जाती है। तभी आकाश उसे बताता है कि वो एक पियानो आर्टिस्ट है, और ये सुन सोफ़ी उसे अपने डैड के कैफे फ्रैंकोस में पार्ट टाइम जॉब दिला देती है। और जैसे ही सोफ़ी उसे उसकी घर वापस छोड़ के जाती है, हमें पता चलता है कि आकाश अंधा नहीं है और सिर्फ अंधा होने का नाटक कर रहा है। खैर, कुछ दिन तक सोफ़ी उसे लेने आती है और वो फ्रैंकोस में परफॉर्म करता है। एक दिन वहाँ एक्टर प्रमोद सिन्हा भी आता है, जिसे आकाश के स्किल्स और परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद आते हैं, और वो उसे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे पियानो प्ले करने के लिए घर बुलाता है। आकाश अगले दिन प्रमोद के घर पहुंच जाता है, लेकिन प्रमोद के कहीं बाहर जाने की वजह से सिमी आकाश को डोर पे अटेंड करती है। वो उसे घर के अंदर बुलाने में हिचकिचा रही थी, लेकिन तभी सिमी की पड़ोसन उसे आकाश से बहस करते देख लेती है, जिस वजह से सिमी को आकाश को अंदर लेना पड़ता है। आकाश अपना पियानो सेशन चालू करता है और पल भर में ही वो अपने सामने एक आदमी के पैर को देखता है जो ज़मीन पर लेटा हुआ था, और उसके पैरों के पास रेड वाइन भी बिखरी हुई थी। आकाश ये नजराना देख अंदर ही अंदर काफ़ी डर सा जाता है, लेकिन फेक अंधे होने के कारण वो चुपचाप पियानो बजाते रहता है। वो सिमी से बोल के वॉशरूम जाता है ताकि थोड़ी सांस ले सके, लेकिन वहाँ भी वो एक आदमी को हाथ में बंदूक पकड़े पाता है, इसलिए वो वहाँ भी अंधे होने का नाटक कंटिन्यू रखता है। वो वॉशरूम से लौटते वक्त देखता है कि वो डेड बॉडी प्रमोद सिन्हा की है, और फिर वो पियानो बजाते बजाते सिमी और उस आदमी का पूरा तमाशा देखता है। सिमी प्रमोद की रिकॉर्डिंग्स की हेल्प से ऐसा आकाश के लिए प्रटेंड करती है कि प्रमोद अपनी एनिवर्सरी पे लेट आया और तुरंत ही कुछ काम से चला भी गया, और वे गिरे हुए रेड वाइन को साफ करते हैं और वो आदमी प्रमोद की बॉडी को एक बैग में भर के ले जाता है, और फिर सिमी भी आकाश के कुछ देर और पियानो बजाने के बाद उसे वहाँ से भगा देती है। आकाश ये सब देखने के बाद शॉक में आ गया था, और फिर वो पुलिस स्टेशन कंप्लेन फाइल कराने को जाता है और बोलता है कि एक मर्डर रिपोर्ट करना है, लेकिन वहाँ वो उसी आदमी को एज पुलिस ऑफिसर पाता है जो सिमी के घर में था। आकाश किसी तरह से बात को घुमाता है और कहता है कि मेरे बिल्ली का मर्डर सर, मेरे इलाके में एक बच्चा रहता है, जरूर उसने उसे मार दिया होगा। उस पुलिस ऑफिसर को आकाश पे शक हो गया था, इसलिए वो उसके घर तक उसके साथ जाता है। वो आकाश के घर में उससे बात करते करते पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है कि वो अंधा है भी या नहीं, और आकाश अंधा होने का अच्छा प्रिटेंड करता है। फाइनली आकाश की बिल्ली घर आ जाती है और वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। प्रमोद सिन्हा की कार और उसकी डेड बॉडी पुणे की इंद्रायणी नदी के पास मिलती है, और ये खबर सारी मीडिया में धीरे धीरे फैल जाती है, और मीडिया से सवाल पर सिमी उन्हें बता देती है कि प्रमोद एक सूट केस में मेरी एनिवर्सरी के दिन करोड़ों रुपये लेकर जमीन के डील के लिए निकले थे, और उसके बाद से उनसे कॉन्टैक्ट बंद था। खैर, फिर आकाश प्रमोद के फ्यूनरल पे पियानो बजाने जाता है और सिमी प्रमोद के लिए स्पीच देती है। इस फ्यूनरल में वो बूढ़ी पड़ोसन भी थी जो प्रमोद की नेबर थी, और वो पुलिस को जाके बताती है कि सिमी ने झूठ बोला है। उस दिन प्रमोद के घर में एक तीसरा आदमी भी था, और प्रमोद अपने घर से कभी गया ही नहीं, मैंने सब देखा था, तुम जाके सिमी से पूछो। तो पुलिस वाले के पूछने पर सिमी बातों घुमा देती है। प्रमोद की बेटी दानी आकाश को अपने पापा के गाने की धुन सिखाने के लिए घर बुलाती है, तो आकाश अगले दिन वहाँ के लिए निकल जाता है। सिमी दानी को हेडेक की दवाई लेने के बहाने घर के बाहर बेचती है, और उसे मौका मिल जाता है उस पड़ोसन को ठिकाने लगाने का। आकाश भी लिफ्ट में पहुंच गया था,
और वो लिफ्ट के डोर के खुलते ही देखता है कि सिमी ने उस पड़ोसन को बालकनी से फोर्सफुली फेंक दिया है, बट वो बेचारा यहाँ भी अंधे होने का नाटक करता है। धीरे धीरे सोसाइटी डेड बॉडी को घेर लेती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने वहाँ आ जाती है, और वही पुलिस ऑफिसर उस लेडी को देख के समझ जाता है कि इसके पीछे जरूर सिमी ही है। आकाश अपने घर वापस पहुँचता है और वो काफ़ी डरा हुआ था, और वो सोफी को घर बुलाता है। उसके घर के नीचे एक बच्चा रहता था जो बहुत ही खुराफाती था, और वो आकाश की जासूसी करते रहता था। वो आकाश को नॉर्मल लोगों की तरह अपने घर में काम करते हुए रिकॉर्ड कर रहा था, तभी उधर आकाश के घर की घंटी बजती है। आकाश से मिलने सिमी आई थी और वो आकाश को प्रमोद के अस्थि विसर्जन का प्रसाद देती है। फिर आकाश उसके लिए कॉफ़ी बना के लाता है जिसमें सिमी कुछ मिला देती है, और वो बिस्किट्स लेने के बहाने कॉफ़ी को गिरा देता है। तो सिमी तुरंत उस पर गन तान लेती है और कहती है कि मिस्टर फेक ब्लाइंड मैं शुरू से जानती थी। तो आकाश भी उसे बोलता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा और वो कुछ दिनों में इंडिया छोड़कर लंदन भी जाने वाला है। वो वैसे भी दुनिया वालों के लिए अंधा है, तो सिमी उसे ना मारे। फिर वो गिरे हुए कॉफ़ी को क्लीन करने का ट्राई करता है, लेकिन उसे बेहोशी सा लगता है। आकाश समझ जाता है कि सिमी ने उस प्रसाद में कुछ मिला दिया था, और उसकी वजह से आकाश धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। उधर सोफ़ी भी आ जाती है और वो बच्चा उसे आकाश का रिकॉर्डेड वीडियो दिखा देता है, और सोफ़ी भी आकाश का सच जान जाती है। वो गुस्से में आकर आकाश से कन्फ्रंट करने जाती है, और दरवाजे खुलते ही सामने सिमी को पाती है जो कम कपड़ों में थी। सोफ़ी आकाश और सिमी को कम कपड़ों में साथ देखकर काफ़ी नाराज हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। फिर कुछ देर बाद आकाश की नींद खुलती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। सिमी ने दवाई देकर उसे अंधा कर दिया था, और ये जान आकाश काफ़ी पैनिक, गुस्सा और हर्ट होता है। वो सिमी को धमकी देता है कि मुझे ठीक करो वरना मैं प्रेस को सब कुछ बता दूंगा। तो वो कहती है कि हाँ जाओ बता दो कि प्रमोद सिन्हा की वाइफ ने उसे मार दिया और मुझे अंधा भी कर दिया, देखती हूँ तुम्हारा कौन विश्वास करता है। और ये कहकर सिमी वहाँ से चले जाती है। उधर सिमी उस पुलिस ऑफिसर को जाके ये सब इंसिडेंट बताती है, जिस पे वो कहता है कि उसे मार देना चाहिए था ना, अंधा प्रेस में चला गया तो मुझ पे इंक्वायरी बैठ जाएगी। तो सिमी कहती है कि मैं तुम्हें कोई सीरियल किलर लगती हूँ, तुम तो बड़े सिंगम हो ना, खुद भी कुछ करो। और अगले ही पल आकाश अपने जमा पैसे और पासपोर्ट लेकर कहीं जाने को तैयार हो रहा था कि वो पुलिस ऑफिसर उस पर हमला कर देता है। वो उसे फंदे में फंसाकर मारने का ट्राई करता है, लेकिन आकाश उसके सर पे प्रेस मारकर छूटकर वहां से भाग जाता है। आकाश भागते भागते बीच सड़क पे आ जाता है, और कुछ दिखाई न देने के कारण वो एक पोल से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह आकाश खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है, जिसे एक ऑटो ड्राइवर मुरली और एक औरत सक्कू ने हॉस्पिटल में लाया था, और डॉक्टर स्वामी उस पर ऑपरेट कर रहे थे। आकाश पैनिक होकर डॉक्टर स्वामी से उसे ठीक करने को कहता है, जिस पे वो बोलता है कि शाम 7 बजे तक आई स्पेशलिस्ट आएंगे और वो तुम्हें देखेंगे, अभी मैं तुम्हें टेटनस का इंजेक्शन दे रहा हूँ और तुम आराम करो। और वो डॉक्टर इस बहाने आकाश का ब्लड सैंपल ले लेता है। फिर शाम को वो डॉक्टर फिर आता है, और वो मुरली और सक्कू से बात करता है कि ये 50,000 रखो, बाकी के 1.5 लाख दोनों किडनी बेचने के बाद। और फिर वो डॉक्टर आकाश को बॉडी स्कैन के बहाने ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। डॉक्टर आकाश को बेहोशी का इंजेक्शन देने वाला होता है कि उसके फ़ोन में उसकी बीवी का कॉल आता है, और डॉक्टर उस पर भड़क जाता है कि कितने बार कहा है कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में रहूं तो मुझे फ़ोन मत किया करो। जिसे आकाश सुन लेता है और कहता है कि कौन सा ऑपरेशन, कैसा ऑपरेशन, बॉडी स्कैन की बात हुई थी ना। और वो उनके शिकंजे से छूटने का ट्राई करता है, और सक्कू से कहता है कि मौसी तुम्हारे हाथ में बने शंकर भगवान की कसम मुझे जाने दो, पर इतने में डॉक्टर उसे बेहोश कर देता है। डॉक्टर स्वामी उस पर ऑपरेट करने ही वाला था कि सक्कू उसे रोक देती है और कहती है कि इसे कैसे पता कि मेरे हाथ में शंकर भगवान का टैटू है, और इस कारण आकाश अपनी किडनी खोने से बच जाता है। आकाश मुरली और सक्कू से पहले भी मिल चुका था, जब वो सिमी की कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन गया था, तभी उसने सक्कू, वो शंकर जी के टैटू और मुरली को देखा था। अगली सुबह आकाश सबको ये सारी बातें बताता है और कहता है कि मैं पहले अंधे होने का नाटक कर रहा था, अब सच में अंधा हूँ। और सक्कू से कहता है कि ए मौसी तेरी लॉटरी की चाबी हूँ मैं। वेल कैसे, वो हमें आगे पता चलेगा। आकाश फिर दानी को पियानो सिखाने के बहाने उसके घर चले जाता है, और वहाँ सिमी उससे कहती है कि आकाश तुम बहुत दिन बाद दिखे, तुम्हें कहीं जाना है, कहीं छोड़ दूँ मैं? तो आकाश मान जाता है, और सिमी उस पुलिस वाले को भी बता देती है कि आकाश मेरे साथ है, जल्दी से एक लोकेशन पे आ जाओ। आकाश रास्ते भर सिमी से कहता है कि मुझे ठीक करने के पैसे दे दो, मैं फिर लंदन चले जाऊंगा और किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो प्रेस में सबको सच बता दूंगा। पर सिमी नहीं मानती है, और आगे एक ऑटो रिक्शा उनका रास्ता रोक लेती है।
ये मुरली की ऑटो थी और आकाश भी सिम्मी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है और वे सिम्मी को उठाकर ले जाते हैं। फिर आकाश उस पुलिस ऑफिसर की बीवी को फ़ोन लगाता है और उससे कहता है कि मैडम, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। एक्टर प्रमोद सिन्हा ने मुझे हायर किया था क्योंकि उन्हें शक था कि उनके वाइफ का किसी के साथ अफेयर है, और अब तो वो चल बसे तो मेरी फीस कौन देगा? अफेयर तो आप ही के हस्बैंड के साथ है। मेरे पास वीडियो प्रूफ्स, रिकॉर्डिंग्स और फोटोग्राफ्स भी हैं, और ये भी पता चला है कि आपके हस्बैंड ने 1 करोड़ के लिए प्रमोद सिन्हा का खून किया है, तो अब मुझे वो पैसे चाहिए, वरना मीडिया में इन खबरों के लिए काफ़ी पैसे मिलते हैं। ये सुन के उस पुलिस की बीवी उस पर खूब कहर और गोलियां बरसाती है, जिससे बचने के लिए वो पुलिस ऑफिसर बाथरूम में छुप जाता है। तभी उसके फ़ोन में सब इंस्पेक्टर का कॉल आता है, जो बताता है कि सर, सिम्मी सिन्हा की कार सुसाइड पॉइंट पे मिली है और कार में उसका एक बैग और जूते भी हैं। लगता है उसने सुसाइड कर लिया सर, और तालाब में काफ़ी मगरमच्छ भी हैं, पर फिर भी हमारी खोज जारी है सर। पर इन रियलिटी सिम्मी आकाश की कैद में थी, और आकाश उसे कहता है कि ये डॉक्टर ने तुम्हारा ब्लड सैंपल ले लिया है और ये अब हम दोनों के ब्लड सैंपल्स को मैच करेंगे। अगर मैच हुआ तो तुम्हारी आंखें मुझे मिलेंगी। जिस पे सिम्मी सबको पैसों का लालच देती है और कहती है कि मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन वो प्रमोद सरप्राइज देने वापस आ गया और उसने पुलिस वाले की गन उठा ली और वो एक्सीडेंट में मारा गया, और उस पड़ोसन बुढ़िया को मारना पड़ा क्योंकि वो पुलिस के पास जा रही थी, और तुम्हें भी अपनी सेफ्टी के लिए अंधा करना पड़ा। मैंने ये सब सिर्फ अपने बचाव में किया है। तो ये सब आकाश रिकॉर्ड कर लेता है और सिमी से कहता है कि अब ये प्रूफ प्रेस, पुलिस और प्रमोद की बेटी तानी के पास जाएगा अगर तुमने 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो। फिर सिमी उनके कैद में ही रहती है, और अगली सुबह आकाश उस पुलिस वाले की बीवी को पैसों के लिए फ़ोन करता है और उस पुलिस वाले को पैसों के साथ एक जगह आने को बोलता है। आकाश मुरली और सक्कू से कहता है कि वो पुलिस वाला है, तुम लोग चांस बिल्कुल मत लेना। और इतने में वो दोनों आकाश को भी धोखा देकर उसे बांध देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सिमी भी उसी रूम में कैद थी, और वो आकाश को एक दूसरे की हेल्प करने को बोलती है। उधर वो पुलिस ऑफिसर पैसे लेकर बताए लोकेशन पे पहुंच जाता है और सक्कू और मुरली के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर बैग को लिफ्ट में रख देता है और खुद सीढ़ियों से ऊपर जाता है। लिफ्ट के ऊपर पहुंचते ही मुरली पैसों के बैग को ले लेता है, और पुलिस ऑफिसर भी ऊपर पहुँच मुरली के पीछे भागता है। वो मुरली को गर्दन के पास शूट कर देता है और नीचे बेसमेंट में सक्कू को पकड़ने के लिए जाता है। सक्कू तुरंत मुरली के कहने पर लिफ्ट को बंद कर देती है और वो पुलिस वाला लिफ्ट में ही फंस जाता है। सक्कू मुरली को हॉस्पिटल लेके जाती है, पर तीर बजाने के कारण मुरली मर जाता है, और वो पैसे भी जो उसने पुलिस वाले से बरामद किए थे नकली निकलते हैं। खैर, उधर आकाश सिम्मी की हेल्प से छूट तो जाता है, पर उसे कमरे से बाहर निकलने का रास्ता जानने के लिए सिम्मी की आंखों की पट्टी खोलनी पड़ती है, और इसका फ़ायदा उठा सिम्मी भी कैद से छूट जाती है और आकाश पर हमला कर देती है। वो आकाश को खूब मारती है, जिससे आकाश मरने की हालत में आ जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर स्वामी आ जाता है और सिम्मी उसे भी खूब मारती है, लेकिन आकाश की मदद से वो बच जाता है और दोनों सिम्मी को पकड़कर गाड़ी के ट्रंक में भर के ले जाते हैं। डॉक्टर स्वामी आकाश से बोलता है कि आगे एयरपोर्ट पे एक प्राइवेट जेट हमारा इंतज़ार कर रही है, हम उससे दुबई चले जाएंगे। दुबई के एक प्रेस की बेटी का लिवर डैमेज है, और उसे BRH नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का ही लिवर लगेगा, जो लाखों में एक का होता है, और जब मैंने सिम्मी के ब्लड रिपोर्ट्स देखी तो जैकपॉट, ब्लड ग्रुप मैच हो गया। तो अब हम इसे उस प्रिंस के पास ले जा रहे हैं, और वो हमें इसके लिए 6 करोड़ रुपए भी देगा, जिसमें से 1 करोड़ तुम रख लेना और अपनी आंखों का इलाज करवा लेना, और तो और अगर इससे कॉर्निया तुम्हारे कॉर्निया से मैच हो गए तो डबल प्रॉफिट। तो आकाश कहता है कि इस सब की क्या ज़रूरत है डॉक्टर, हमारे पास प्रूफ है ना, हम वो पुलिस को दे देंगे और ये अरेस्ट हो जाएगी, मारने की क्या ज़रूरत है। तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें अगर कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हें आगे बस स्टॉप पे उतार देता हूँ, पर मैं तो इस लड़की को उस प्रिंस को सौंप के रहूँगा। ये सुन के आकाश सोच में पड़ जाता है, और फिर सीन 2 साल बाद यूरोप के किसी देश में शिफ्ट होता है, जहाँ हम सोफ़ी को देखते हैं, और वो वहाँ शहर देख रही थी। तभी उसे वहाँ आकाश के कॉन्सर्ट का बैनर दिखता है, और वो अंदर हॉल में चले जाती है जहाँ आकाश काला चश्मा लगाए परफॉर्म कर रहा था। उसके परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद सोफ़ी उससे कहती है कि अब यहाँ लोगों को अंधे बनकर बेवकूफ़ बना रहे हो, जिस पे आकाश उसे अपने धोखे से अंधे होने से लेकर सिम्मी को ट्रंक में भर के दुबई ले जाने तक की पूरी कहानी बताता है। सब कुछ सुनकर सोफ़ी उससे कहती है कि फिर क्या हुआ। तो आकाश बताता है कि उसके ना मानने पर डॉक्टर उसे आगे बस स्टॉप पे उतार देने को कहता है, और सिम्मी के ट्रंक को खूब ठोकने की वजह से वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने जाता है। तभी चालाक सिम्मी डॉक्टर पे हमला कर उसका खेल ख़त्म कर देती है और कार लेकर निकल जाती है। आगे चलकर सिम्मी आकाश को कार से नीचे उतार देती है,
और यू टर्न लेकर उसे गाड़ी से उड़ाने आती है। तभी वो आदमी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था अपने एक खरगोश को गोली मार देता है, जिससे बचते हुए वो खरगोश सीधा सिमी की गाड़ी के विंडशील्ड से टकराता है और सिमी का एक्सीडेंट हो जाता है। सिमी को अपने बुरे कर्मों का फल मिलता है और वो मर जाती है और आकाश बच जाता है और वो वहाँ से मुंबई चले जाता है और फिर एक फ्रेंड की हेल्प से यूरोप पहुँच जाता है। सोफ़ी ये सब सुन के कहती है कि उस सिमी सिन्हा ने कितनों की लाइफ बर्बाद की है, तुम्हें उसकी आँखें ले ही लेनी चाहिए थी। इस पे आकाश एक स्माइल देता है और अपने अगले कॉन्सर्ट में सोफ़ी को आने को कहकर वहाँ से चले जाता है। जाते जाते वो अपनी वॉकिंग स्टिक से रोड पे पड़े एक कैन को परफेक्टली मारकर किनारे कर देता है और ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। तो क्या आकाश ने डॉक्टर स्वामी की बात मान ली थी और उसने अपने आँखों का इलाज करवा लिया था और उसने सोफ़ी से आधी कहानी झूठ बताई थी, या उसने बस बाई चांस से उस कैन को मारा था? ये तो खैर डायरेक्टर ने हम व्यूवर्स के थिंकिंग पे छोड़ा है और इस मूवी के एंडिंग को ओपन रखा है। खैर, आपको ये मूवी और ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास कोई सजेशंस या फीडबैक हो तो वो भी हमें ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक और सभी से शेयर कर हमें ग्रो होने में हेल्प करें और हमारे चैनल मूवी हाउस को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच सकें। हम आपसे ऐसी अमेजिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।